अब दिल्ली में देशभक्त बैठे हैं, महाराष्ट्र में देशभक्त बैठे हैं, उधर नरेंद्र मोदी जी और इधर पता नहीं इनको कौन सी पार्टी का कहा जाए, क्या कहा जाए। अब ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके आप सबके पास परिवार हैगा, अगर आपके परिवार में कोई आकर नफरत फैलाए और भाई को भाई से लड़ाए और भाई से कहे कि तू अपने भाई को मार दे, तो परिवार का क्या होगा? फायदा नुकसान? फायदा नुकसान? नुकसान। तो अगर परिवार को तोड़ने से परिवार का नुकसान होगा, परिवार में नफरत फैलाने से परिवार कमजोर होगा, भाई भाई को मारता है तो परिवार कमजोर होता है, तो फिर अगर भाई भाई को मारेगा, देश में हिंसा फैलेगी, तो देश कैसे मजबूत होगा? कमजोर होगा ना। अच्छा एक और बात बताओ, अगर परिवार में जो परिवार को भोजन खिलाता है, जो परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आपने उसको भूखा मार दिया तो परिवार का क्या होगा? पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने अगर हिंदुस्तान के किसान को भूखा मार दिया तो हिंदुस्तान का क्या होगा?